गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले लाइक कर दो। लाइक नहीं कर रहे यार तुम लोग, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दो, और रेडी हो जाओ आज के व्लॉग के लिए। आज बहुत स्टोरी सुनानी है आप लोगों को, बहुत कुछ बताना है, बहुत सारे सजेशन है आपके, उसके बारे में बात करना है कमेंट सेक्शन में। हाँ गाइस, सबसे पहली बात, ये साला व्लॉग के नीचे कमेंट में लिखते हो लड़की दिखाओ लड़की दिखाओ। अब एक छपरी व्लॉगर है क्या हम? यूके में आए हैं और तुमको हम साला लड़की दिखाए क्या? आज इधर लड़की दिखी उधर ही कैमरा घुमा लिए। वैसा नहीं है भाई, वैसा नहीं करते। जो दिख रहा है, जो नॉर्मल लाइफ है, जो रूटीन है, वो चल रहा है, ठीक है। साला बोलता है कुछ भी होता है यार, लड़की नहीं दिखाते तुम अपने ब्लॉग में। वैसा ब्लॉगर नहीं है, गलत ब्लॉग में आए हो तुम। हमारे यहाँ तुमको डिसेंट लाइफ दिखेगी, जो हम लाइफ जीते हैं एक्चुअल में। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात बोल रहे हो कि रखो भाई आपको बीवी की ज़रूरत है, खाना अकेले बनाना पड़ रहा है आपको। अबे तो अकेले अपने लिए बना रहे हैं ना, अभी बीवी आ जाएगी तो उसके लिए भी बनाना पड़ेगा, तो समझ रहे हो दिक्कत हो जाएगा यार। कम से कम अभी एक का बना रहे हैं, दो का बनाना पड़ जाएगा। तो ये दो समस्या का समाधान, ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात, लोग बोल रहे थे कि थोड़ी नई जगह एक्सप्लोर करो। तो ब्रो ऐसा है ना कि हर ब्लॉग में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन फुट हम कवर करें जितना दूर कवर कर सकते हैं। अब मेरे साथ समस्या ये है कि यहाँ पर ना गाड़ी देख के पार होना, यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि हम कैब करके कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि कैब का जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेयर। सीरियसली बता देते हैं कि अगर हम डेली कैब करके जाना स्टार्ट किए नई जगह पर, तो मेरा 2 से 3 लाख रुपया खाली कैब में खर्चा हो जाएगा। उतना अफोर्ड कर सकते हैं क्या कैब, बताओ? कोई नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरी एक और चीज़ बताते हैं कि ऑन फुट का एक लिमिटेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना चलोगे। 3 किलोमीटर एक दिन, सारा 10 किलोमीटर चले पैर में दर्द हो गया, दूसरा दिन थोड़ा सा कम चले, तो 5 किलोमीटर का रेंज में जो चीज़ दिखा पाते हैं। प्लस हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के एरिया में स्टार्ट करते हैं हम एक ही रूट से, क्योंकि निकलने का यही रास्ता है, प्लस सबसे प्राइम लोकेशन यही है। तो हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग यहीं से किया जाए, और उसके बाद हम अंदर स्ट्रीट में घुसते हैं, बहुत सारा स्ट्रीट देखते हैं, रेजिडेंशियल एरिया देखते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, और लोगों का रहन सहन देखते हैं। तो हमारा जो ब्लॉग है ना, वो एक लोकल कैसे रहता है यूके में, एक लोकल अगर यूके में आके अगर तुम देखोगे किसी की लाइफ जो रोज़ नौकरी करता है, रोज़ खाना खाता है घर में बना के, तो वैसी वाली लाइफ का मेरा ब्लॉग का मतलब वो है। मेरा ब्लॉग का मतलब वो हॉलीडेज़ पे नहीं आए हुए हैं कि ये वाला बहुत ही मस्त समंदर बीच और ये आइलैंड और ये क्लब, ये पार्टी, ये पब, वो भी होगा कभी ना कभी होगा बीच में, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, क्योंकि रोज़ आप करोगे नहीं। तो डेली ब्लॉग का मतलब यही होता है कि डेली डेली आप क्या करते हो वो दिखाओ। दूसरी चीज़, ठीक है, तो ये हम कमेंट पढ़ रहे थे आप लोगों का, आप लोग कमेंट करो, फीडबैक दो, अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं पहले कि मेरे ब्लॉग में आपको एक्चुअल रियलिटी दिखेगी, फेक कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। अभी जैसे हम क्या कर सकते हैं तुमको बताते हैं। देखो अभी सामने कोई पार हो रहा है तो हम दिखा देते हैं, रुक जाओ मिनट। अब देखो सामने जैसे कोई लड़की पार हो रही है और पीछे से हम रिकॉर्डिंग करते हुए जाएँ और बोले क्या मस्त लड़की है, ऐसे वैसे ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये अच्छा नहीं लगता हमको, ठीक है। ऐसा ब्रिंगिंग नहीं है मेरा, रियलिटी में है नहीं, मजाक में हम जो भी बोलते हैं स्ट्रीम पे, लेकिन आई कैन नॉट डू लाइक दिस, ओके। सो आपको ना ये वाला चीज़ जो है वो रैंडम अगर कहीं दिखेगा तो दिखेगा, लेकिन इंटेंशनली हम ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। अब तुम बोलोगे कि थाईलैंड गए थे तो यही सब दिखा रहे थे, तो थाईलैंड में यही सब था भाई। और गाइस एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा कि क्यों आए हो यूके, क्यों, वाई यूके? तो भाई देखो वीज़ा लगाए थे, ठीक है, ईस्टर्न कंट्री घूम लिए थे, वेस्टर्न कंट्री घूमना था, तो वीज़ा लगाए यूके का, वीज़ा लग गया तो चले आए। अब वही था कि 10-5 दिन हम रह के और फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते। एम्बुलेंस पार हो रहा है, तो 10-5 दिन रह के घूम के चले जाते, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने जाने का टिकट इतना लगता है ना कि अगर आप 1 महीना नहीं रहोगे यहाँ पर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, ये जो मेटल का जो लीफ बनाया हुआ है ना, ये हम 2-3 जगह देखें, बहुत मोटा मेटल है, मतलब ऐसा नहीं कि हॉलो है, हॉलो नहीं लग रहा है, लग रहा सॉलिड है पूरा एकदम, ना ना हॉलो ही है। अच्छा एक बात बताओ, रात में अंधेरा में कोई फंस के गिर गया इसमें, तब डिज़ाइन का तो बढ़िया बना दिया है, लेकिन इसमें कोई फंस के गिर गया तो क्या होगा फिर, ये बताओ। हाँ तो यूके इसलिए क्योंकि वीज़ा लगा, सब जगह का वीज़ा लगता नहीं है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जितना भी यूरोपियन कंट्री शेंजन वीज़ा लगाएंगे, यूरोपियन कंट्री में जितना और भी बचा हुआ है
लोग बोल रहे थे कि व्लॉग जो है वो मोनोटोनस हो रहा है, तुम बाहर निकलते हो, घूमते हो और घर में आते हो, खाना खाते हो। तो अभी तो लाइफ तो ऐसी ही होती ना, लोग बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, खाना खाते हैं, स्ट्रीम करते हैं, सो जाते हैं। मेरा रूटीन चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पर बस यही था कि खाना हम खुद से नहीं बनाते थे, कभी कभी बनाते थे घर पर। रूटीन मेरा चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पर है कि नई जगह घूमने का मौका मिल रहा है। वहाँ जो अपने शहर में घूमते थे, तो यहाँ पर हम यूके में ब्लैकपूल में एक नई जगह पर घूम रहे हैं, ये डिफरेंस हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात, आई होप थिंग्स आर क्लियर। लेकिन और भी कुछ जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्या जानना है क्या नहीं जानना है। ओके यार, ये वाले ट्राम ना बड़ी अच्छी लगती मुझे देखने में, ये मॉडर्न वाली नहीं है, ये ओल्ड वाली लगती है, देखो है ना, ये पुरानी वाली लगती है। छोटी सी है, छोटा है, बड़ा नहीं यार, प्लस डबल डेकर, इट्स लाइक रियली क्यूट। भाई सामने कितनी लंबी लड़की आ रही है, हमको लगता है 6 फीट से ऊपर की लड़की, पता नहीं, मस्त लग रहा नहीं, डबल डेकर। गाइस 6 फीट की लग तो रही थी, लेकिन 6 फीट की थी नहीं, क्योंकि 6 फीट के तो हम खुद हमसे कम ही लग रही थी। भाई तुम्हारा लंबा है, भाई यूके में भी आके ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा लंबे लंबे लोगों के बीच में छोटा लग रहा है, ऐसा नहीं। अब अपनी भी हाइट है, खतरनाक है कि नहीं, 6 फीट इज अ वेरी गुड हाइट। वैसे हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भाई, बड़ा भाई है जो कम हाइट का है, सो कम्फर्टेबल, वो बोलता है छोटा हाइट है बहुत अच्छा है, उसको जगह कम चाहिए होती है, कुर्सी में जगह कम, ट्रेन में जगह कम, फ्लाइट में जगह कम, खाना कम, सब कुछ कम। गाइस ये कि ये स्तंभ बना हुआ है, पिलर है, हमको लगता है वॉर मेमोरियल है। यहाँ पर रोड बना हुआ है अंदर जाने का, चल के देखते हैं कि कौन से वॉर का ये सीन है। इधर से मेट्रो आ रही है, फ्लीटवुड फेरी नाम है इसका, बहुत बढ़िया। हाँ तो गाइस ये दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ कुछ लिखा है लेकिन, हाँ द वॉर मेमोरियल देखो लिखा हुआ है, ग्रेड टू लिस्टेड। अच्छा, फाइल डेक सर्विस लाइसेंस कमेटी, लाइसेंस कमेटी ने मिलके बनाया है, तो आके देखते हैं। आसमान लेकिन बिल्कुल साफ है आज, कहीं पर कुछ लिखा होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम पढ़ते हैं, गए थे ना, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, लेस्ट वी फॉरगेट, सामने इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन। ये ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश कंट्रीज हैं, मतलब इंग्लिश कंट्रीज, उसमें ऐसा यूज़ होता है फ्रेज, लेस्ट वी फॉरगेट, वी शुड नॉट फॉरगेट। ये वॉर मेमोरियल ही है, ऊपर में देखो नाम इंग्रेव किया हुआ है, पता नहीं आपके यहाँ से देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, ऊपर में चढ़ना अलाउड है कि नहीं पता नहीं, हम चढ़ते नहीं, यहीं से दिखाते हैं, नाम लिखा हुआ है, इंग्रेव किया हुआ है, यस, सोल्जर का फोटो बना हुआ है। Sing softly, be still, cease. Oh, ये जब वार के बीच में जब ऐसा फ्रेज यूज होता है ना, जब कोई मान लो कहीं ट्रेंच में बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे मोटिवेट होने के लिए गाना गाते हैं ना, आप भी चल एकदम शांत रहो, हल्ला नहीं करना, सीज फायर, खतरनाक। क्या लिखा है, फॉकलैंड्स कन्फ्लिक्ट, अच्छा 1982, अच्छा फोक्स, ये फॉकलैंड कन्फ्लिक्ट में लगता है वहाँ के जो मरे हैं ना, इन मेमोरी ऑफ आर ग्लोरियस डेड 1914 से 1908, ओके वर्ल्ड वॉर, ये 1982 में बना है, लेकिन 1914 से 1918 और 1939 से 1945 दोनों वर्ल्ड वॉर का है। ओके गुड आफ्टरनून गाइस, फिलहाल हम आए सुबह मॉर्निंग वॉक करके और सो गए, नींद आ गई, रात में थोड़ा देर तक जागे थे, वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो वीडियो अपलोड जो है वो
हो नहीं रहा है यहाँ पर मतलब सही से, क्योंकि मेरा जो फाइल है जो ऑस्मो में बना रहा है ना, ऑस्मो मतलब मेरे पास दो कैमरा है ना, एक मिनट, ऑस्मो का जो कैमरा है ना मेरा, उसमें फाइल बड़ा बड़ा बन रहा है, तो उसका ना अपलोड होने में स्लो हो रहा है मेमोरी कार्ड से। तो रात में हम 2 बजे रात तक जाग गए थे, कल देख रहे थे क्या दिक्कत हो रही है, क्यों अपलोड हो रहा है, बहुत सारा फाइल अपलोड किए थे। इसी की वजह से हमारा जो कल का व्लॉग है वो लेट आया था। ये कौन सा बार है भाई, ये दिन दहाड़े पार्टी चल रही है, दिखाते ये देखो मैन बार हैप्पी आवर 9 AM to 7 PM 7 days a week ऑल ड्रॉट पॉइंट 2.2 मतलब 220 रुपये हम पॉइंट, देखो वेव कर रही थी ऐसे लोग वेव करते बहुत बढ़िया। तो क्या सीन है कि मेरा जो अपलोड हो रहा था वीडियो, ये क्या कर रहा है, बॉडी देख रहा है ना क्या, लगता था बॉडी देख रहा है, या या मसल मैन रामपो 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 बॉडी देख रहा था, गजब कमेंट लोगे यार यहाँ पर, कुछ शर्म आ गया, हम उसका रिकॉर्ड किया बोल रहे यार रिकॉर्ड यार, ठीक है हम बोल रहे थे ना मेरा वीडियो जो है वो अपलोड होने में लेट हो रहा था, कल रात में 2 बजे जाके थे, तो आज हम सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए और हम सारा सूत गए, अभी उठे हैं तो सोचे कि खाना क्या उपाय किया जाए, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है साला, है ना, खाना जो है वो डेली साला रेगुलर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, सोचे सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच का क्या सीन है कि जब हम कलकत्ता में रहते थे तो हम लोग दोस्त लोग मिल के बहुत सही सैंडविच बनता था, एकदम ख़तरनाक वाला। ये देखो पीपा के टुल्ले दोनों। तो कलकत्ता में जो हम सैंडविच खाते थे ना, वही सैंडविच बना के उसकी बड़ी याद आ रही थी, तो सोच रहे थे आज सैंडविच बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बटन दबा देते हैं पार होने के लिए, विदाउट बटन दबाए पार नहीं होना है दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेज सैंडविच। ओके, मेयोनीज डाल के, चीज़ डाल के जो होता है ना वेज चीज़ मेयोनीज सैंडविच, वो वाला बनाने वाले हैं हम। चलो उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करनी होगी, टमाटर खीरा ये सब है नहीं, खरीदना पड़ेगा। ओके चलो, वैसे ही पार हो जा रहे भाई, भीड़ नहीं है क्या आज, लोग एकदम बढ़िया मूड में है सब, समझ रहे, आज बढ़िया मूड में लग रहा है सब, दारू वैसा, संडे है आज ना, सैटरडे संडे है का, वही हम सोचे आज इतना सब पार्टी का कर रहे सब, उल्टा ले दारू पी के, सैटरडे संडे का यही सीन होता है, वाह वेरी डेंजरस। अब हमको यहाँ से पार होना पड़ेगा, ठीक है, येलो हो गया, येलो निकलेगा गाड़ी, अब हम यहाँ पर ना प्रेस करते हैं, रोड पार होने का सिस्टम सेट करते हैं, पुश द बटन, वेट फॉर सिग्नल। ये देखो मस्त बाइक, पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, गोल्डविंग है भाई, दिस इज अ गोल्डविंग बाइक, पूरा सिस्टम लेके चल रहा है, होंडा गोल्डविंग, पहली बार हमने नज़दीक से देखे होंडा गोल्डविंग को, आज तक हम कभी भी देखे नहीं थे नज़दीक से, गजब लग रहा था यार, पूरा कार जैसा, मिनी कार जैसा लग रहा था। खैर ठीक है, तो सैंडविच के लिए हमको खीरा वीरा खरीदना पड़ेगा, टमाटर खरीदना पड़ेगा, मतलब है नहीं, मेयोनीज नहीं है मेरे पास, चीज़ नहीं है मेरे पास, तो वो सब चीज़ खरीदते हैं और सैंडविच का उपाय करते हैं, और सैंडविच बना बना कर खाएंगे, कम से कम 3-4 सैंडविच खाएंगे बना के, है कि नहीं गाइस। हरी मिर्च भी ख़त्म हो रही है तो हरी मिर्च भी ले लेंगे, नींबू भी है मेरे पास, नींबू भी डाल के खाते हैं, मज़ा आता है, लेट्स गो। यहाँ पर ना ट्रॉली बैग निकालने का, जो ट्रॉली होती है ना जिसमें सब्जी रखते हैं, उसको निकालने का तरीका है कि इसमें एक पाउंड डालो यहाँ, ठीक है, इसको बंद करो, ये खुल जाएगा, ले लो, और जब इसको वापस रखेंगे तो एक पाउंड निकाल लेंगे वापस। गैस ये लेटेस्ट ले लेते हैं, ये डालने में अच्छा रहेगा सैंडविच में, ये बंदा को भी नहीं है, लेटेस्ट है ये, देखो ककुम्बर देख रहे हो भाई,
ये होल ककुम्बर लिखा हुआ, इतना बड़ा खीरा, खतरनाक। ये क्या है, ये छोटा खीरा है क्या? अभी कटा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा ककुम्बर पोर्शन। ये भगवान, काट के कौन खीरा बेचता है, तो पूरा गोटा खीरा ले लेते हैं, सही रहेगा। होल ककुम्बर एक ठो लेते हैं, काम हो जाएगा अपना। 79 रुपये का एक खीरा है, हो जाएगा काम वैसे। टमाटर लेना था, बहुत तरह का टमाटर है देखो यहाँ पर, ये भी टमाटर यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये वाला है 175 रुपये किलो, इधर छोटा टमाटर है 300 रुपये किलो, ये वाला है 550 रुपये किलो। देखो इधर 530 पर केजी, 175 का एक पूरा है। ये क्या है, ऑर्गेनिक है क्या? रूबी जेवल टमाटर, हे भगवान, पता नहीं कैसा कहते हैं। इधर छोटा बड़ा, ये देखो 6.7 रुपये किलो, 200 रुपये का टमाटर, ये सही लग रहा है। ये 500 रुपये किलो टमाटर, देखो पूरा पैकेट में बंद करके बेचा हुआ, तो अपना काम इससे हो जाएगा। ये अगर ले लेंगे तो नहीं हो जाएगा कैसे? ये तो टमाटर ले, लेकिन थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ है, पक साला। ये लेते हैं, ठीक है, एक ये पैकेट लेते हैं, इतने में अपना टमाटर वाला काम हो जाएगा। गाइस ये वाली ना शिमला मिर्च भी ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेंगे तो काम हो जाएगा क्या अपना? ले लेते हैं एक, इसको भी डालेंगे, सब सैंडविच का माल तैयार हो रहा है भाई। यहाँ तो इतना सारा मेयोनीज है ना, दिमाग ख़राब हो गया देख के भाई, कौन सा लें कौन सा नहीं लें। तो एक सोचे ये वाला सही लग रहा था देखने में, पेरी पेरी वाला, जो एक लेमन का है और एक मिर्च वाला है, ले लिया, ये दोनों उठा लिए। ये वाला सेक्शन है मिक्स्ड हर्ब का, इसमें ओरिगानो यहाँ पर है गाइस, ओरिगानो ले लिया। और गाइस मेरे पास सॉस नहीं है, तो हम ये मैगी वाला चिली मसाला सॉस ले लेते हैं, ठीक है, इसका टेस्ट हमको पता है, बचपन से खाएं। ये हमारा हो गया भाई साहब, देखो शॉप घुसते समय धूप था, और अभी पूरा एकदम ऐसा बादल पूरा है ना कि जैसे तूफान आने वाला है, खतरनाक। जल्दी से चलते नहीं तो बारिश हो जाएगी, तो पता चलेगा भीग जाएगा, छाता भी लेके नहीं आए। कैसा माहौल हो गया, ये देखो कैसा माहौल हो गया भाई, पूरा एकदम जिंदगी की राह में देख देख के, लेकिन पार होना जैसे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और गाइस बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी है, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी भी मेरा यहाँ से 5 मिनट रहता है, ठीक है, 5 मिनट्स पहुँचने में, लेकिन पहुँच जाएंगे भीगने से पहले। गाइस थोड़ा थोड़ा तो पानी लग गया देखो, लेकिन भीगे नहीं, बच गए। स्कीम हो जाता अगर लेट, अगर आधा घंटा भी और लेट करते तो फंस जाते हम, क्योंकि छाता लेके नहीं गए थे। छाता लेके कौन ट्रैवल करे यार, धूप निकला हुआ है, छाता लेके कौन जाता है धूप में भाई। लेकिन इंग्लैंड में है आप, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, छाता लेके निकलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। चाहे पूरा एकदम सनी हॉट डे हो, छाता लेके निकलो, क्या एक घंटा मामला क्लियर। यहाँ वेदर फोरकास्ट का बहुत चक्कर है, आप वेदर फोरकास्ट देख लो कि सेकंड हाफ में पानी पड़ने वाली है कि नहीं, 2 घंटे बाद पानी पड़ने वाला, वो सब पूरा अपडेटेड रखते हैं। वेदर फोरकास्ट हम नहीं देखते, ये गलती करते हैं, देखना चाहिए हमको। ये रह गए आज का बिल सब, देखो 0.79 पाउंड, 1 पाउंड, 2 पाउंड, ऐसे करके सही है। टोटल कितना बना, 19 पाउंड बना टोटल, 50 दिए थे 30 वापस किए, तो आज का खर्चा हमारा कितना हुआ, 2000 रुपया इतना सामान लाने में। ये टमाटर भी लाए हैं और इतना सामान है, लेकिन बहुत कुछ है, सैंडविच बनेगा बहुत ज़ोरदार। देखो अगर सैंडविच हम खाते बाहर में जाके, तो एक सैंडविच हमको 3-4 पाउंड तो लगता है, ये 4 सैंडविच खाते 20 पाउंड लग जाता, और हम साला पूरा एकदम ग्रोसरी उठा के चले आए 20 पाउंड, तो सस्ता तो पड़ता है, खाना बनाना बहुत सस्ता पड़ता है। तो चलो सैंडविच बनाते हैं, मामला क्लियर कर देंगे। इसको भूख लग रही है, ओके। अब इसमें हम डालते हैं ये पलटी मारो, इसमें गोटी पलटी मार, ओके डन। अब क्या करना है हमको, ब्रेड निकालना है इसमें, ये ब्रेड है। दो तरह का सैंडविच बनाते लोग,
एक तो ये वाला काट देते हैं, लेकिन ये वाला खाने मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है इसको हम रहने देंगे। और दूसरे साइड में लगाएंगे सॉस, सबसे पहले प्याज, थोड़ा सा पेरी पेरी का मसाला। एक चीज ओके, और ये ऐसे करके ऐसे बंद हो जाएगा। वैसे हमारा ना फ्राइंग पैन जो है गर्म हो गया, इसमें हम डाल दिए, इसको ढकना पड़ेगा, ज़्यादा क्रंची हो गया गाइस, जला हुआ नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्रंची। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, आई है बेहतरीन। आई विश तुम टेस्ट कर पाते।